हमारे YouTube चैनल द गाइडेंस ऑफ मैथमेटिक्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात का जो पाठ हम लोगों का चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आते हैं आज हम लोग समानुपात के बारे में जानते हैं। समानुपात क्या है, इसे हम अंग्रेजी में प्रोपोर्शन कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो, जब दो अनुपात बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात। उसे हम क्या कहेंगे, समानुपात। दो अनुपात बराबर का मतलब, इसे मान लीजिए कि 3:4 और 6:8, ये दोनों अनुपात जब बराबर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं समानुपात। समानुपात के बदले यहां पे जो हम बराबर का चिन्ह देख रहे हैं इसे हम इस रूप में इंडिकेट करते हैं, ये 4:6:8। तो ये बराबर के बदले जो 4 दिया जाता है इसे समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। समझ गए समानुपात के बारे में। यदि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये दोनों अनुपातिक पद बराबर है, ये दोनों अनुपातिक पद क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए को प्रथम पद, बी को द्वितीय पद, सी को तृतीय पद और डी को चतुर्थ पद कहा जाता है। यहां पर लिख देते हैं, ए को प्रथम पद, बी को द्वितीय पद, सी को तृतीय पद और ये जो डी देख रहे हैं इसको चतुर्थ पद कहा जाता है। इसे हम चतुर्थ पद कहेंगे। समानुपात के पद को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बाहर का दोनों पद हम देख रहे हैं ए और डी, पहले इन दोनों को गुना करते हैं, ए गुना डी, फिर बराबर का सिंबल देंगे, बी गुना सी, बाहर वाला दोनों पद को गुना करेंगे, उसके बाद ये अंदर वाला दोनों पद को गुना करेंगे और बीच में बराबर का चिन्ह देंगे। तो इस प्रकार जो समीकरण बनेगा इससे हमें अलग अलग पद के बारे में मालूम पड़ेगा। गौर कीजिएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात डी, हम लोग पहले जान चुके हैं, इसे प्रथम पद कहा जाता है, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। जब ये दूसरा और तीसरा पद बराबर हो जाए, दूसरा और तीसरा पद जब बराबर होता है तो उसे मध्य अनुपात कहा जाता है, मध्य अनुपात। अगर इसे हम हल करेंगे तो बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, ए गुने बी बराबर बी गुने बी, ए गुना डी बराबर, ये बी गुना बी का मतलब बी स्क्वायर, ये स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट अंडर होगा, बी बराबर रूट अंडर ए गुना डी, बी बराबर रूट अंडर ए गुने डी। अर्थात जब हमें मध्य अनुपात निकालना हो तो रूट अंडर दोनों संख्या को हम गुना करेंगे, गुना करके जो परिणाम आएगा वो मध्य अनुपात होगा। इसमें एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कह दिया कि 6 तथा
24 का मध्यानुपात क्या होगा? 6 तथा 24 का मध्यानुपात निकालना है। जब भी हमें मध्यानुपात निकालना हो तो रूट अंडर दोनों संख्या को गुना करेंगे। रूट अंडर दोनों संख्या को क्या करेंगे? फिर गुना करेंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 6 × 24 का मतलब 144 और 144 का वर्गमूल 12, अर्थात 6 तथा 24 का जो मध्य अनुपात होगा वो होगा 12। तो इसमें गौर करेंगे, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, 1 को प्रथम पद, 1 को द्वितीय पद और 1 को तृतीय पद कहेंगे। ऐसा तब कहेंगे जब ये बीच वाला पद बराबर हो, तो इसे हम द्वितीय पद कहेंगे। पहले हम जान चुके हैं मध्यानुपात निकालने के लिए, अब हम जानेंगे कि तृतीय पद जब निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कीजिए, 1 × b बराबर अंदर वाला को अंदर वाला से 2 × b, 1 × d बराबर इसका मान होगा 2 स्क्वायर। यहां से हमें d निकालना है, क्या निकालना है? d यानी तृतीय पद। जब हमें d निकालना है तो 2 स्क्वायर और ये गुना में है इधर आएगा, तो भाग में 2 स्क्वायर / a, यानी तृतीय पद जब हमें निकालना हो, तृतीय पद जब हमें निकालना हो तो जो संख्या दोनों दिया रहेगा तो दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे और बट्टा में पहला संख्या देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, 18 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 18 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे तृतीय अनुपात बराबर दूसरा संख्या का स्क्वायर। दूसरा संख्या यहां पे 24 है, पहला संख्या 18 है, तो दूसरा संख्या का स्क्वायर बट्टा में ये पहला संख्या हम लिखेंगे। 24 का स्क्वायर का मतलब हो गया 24 को 2 बार गुना करेंगे बट्टा में 18, 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 24, 3 से 8 बार में कटेगा, ऊपर गुना होगा, 8 × 6 = 32। 18 तथा 24 का तृतीय अनुपात कितना आएगा? फिर 32 आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1 को प्रथम पद, 2 को द्वितीय पद, 3 को तीसरा पद और यहां पे d था, यहां पे हमने x लिखा है, इसको चतुर्थ पद कहा जाता है। प्रथम समानुपाती, दूसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती और यह चौथा समानुपाती। जब हमें चौथा समानुपाती निकालना हो तो क्या करेंगे? बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, 1 × x बराबर अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे, 3 × b। यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है, 3 × b, ये 1 × इधर आएगा तो बट्टा में, ये हो गया चतुर्थ समानुपाती। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 / 3 समानुपात 4 × x। यहां से हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, 2 × x बराबर अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे, 4 × 3, x बराबर ये हो गया 12/2, 2 × 6 = 12, x बराबर 6
ये हो गया चतुर्थ समानुपाती। जब हमें चतुर्थ समानुपाती निकालना हो तो बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कीजिए, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे, गुना करके समीकरण बनेगा और समीकरण को हल करने पर चतुर्थ समानुपाती निकल जाएगा। हमें यहाँ पे मान आ गया कितना, फिर छह। एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 9 तथा 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 5, 9, 12 इस तरह का क्वेश्चन जब भी लिखा रहे इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रथम समानुपाती है, ये दूसरा समानुपाती है, ये तीसरा समानुपाती है और चौथा समानुपाती हमें पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह देंगे। इस तरह के प्रश्न जब भी मिले तो इसको हल करने के हम समझ चुके हैं कि बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे। एक्स बराबर 9 × 12/5, इसलिए एक्स बराबर 12 × 108/5। एक्स का जो मान हम लोग जाने हैं 108/5, ये चतुर्थानुपाती है। जब हम इसे दशमलव में लाएंगे तो भाग देंगे 108 में 5 से, तो 20 बार में लगभग लगेगा 21.6 आएगा। हमें क्या मिलेगा, 21.6। समझते हैं इसको चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे 5:9 समानुपात का मतलब होता है बराबर, 12 अनुपात और x का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं 21.6। समानुपात का मतलब हम समझ चुके हैं पहले ही कि जब 2 अनुपात बराबर हो। यहाँ पे 2 अनुपात है 5:9 और यहाँ पे अनुपात है 12:21.6। ये दोनों अनुपात बराबर है। कैसे बराबर है ध्यान दीजिएगा, ये 12:21.6 है, 12:21.6 दशमलव हटाएंगे नीचा में 10। इसको हल करते हैं, 5 × 10 और ये कटेगा 10 × 20 8 × 16 108 बार में, ये कटेगा 12:108। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 अनुपात, यहाँ बचा 9/5। इसको जब सिंपल रूप में लाएंगे तो 5:5:9। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5:9 यहाँ भी है और इसको भी हल करने पे 5:9 ही आया है। इसका मतलब ये दोनों अनुपात बराबर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं।